हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं बैक नेक डिज़ाइन बनाना। तो ये जो डिज़ाइन है वो बहुत सरल और आसान तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेन फैब्रिक हमने अलग रख लिया है। अभी जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसकी जो लंबाई है ब्लाउज़ की वो 14 इंच है। शोल्डर यहाँ पर हमारा 5.5 इंच है। आर्म होल भी हम 5.5 इंच ही रखेंगे 34 चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमने आर्म होल भी 5.5 इंच रख लिया है। अभी चेस्ट का 1/4 पे निशान लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पर 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर मार्जिन रखा है। कमर हमारा 7.5 30 इंच कमर है। 1 इंच हमने टक्स्क ले लिया है और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। अब इन दोनों निशानों को हमें मिला लेना है। तो स्केल की मदद से हम इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब यहाँ पर हम आर्म होल का शेप देंगे। तो 1/4 इंच हम इस तरह से मार्क करते हुए उसके बाद फिर हम आर्म होल का शेप दे देना है। तो हमने आर्म होल का शेप भी दे दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम गले की चौड़ाई 3 इंच रखे हैं और इसकी जो डीप है वो 10.5 इंच है। आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं, बट मुझे 10.5 इंच चाहिए था तो मैं 10.5 इंच पर निशान लगाई हूँ। अब नीचे से भी हम 3 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब इन दोनों निशानों को हमें मिला लेना है। तो इस तरह हमें टेप को रखते हुए यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये हमारा स्क्वायर में हो गया है। अभी देखिए, नीचे से हमें 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब ये 2 इंच से साइड में हमें 1 इंच पे निशान लगाना है। तो इस तरह हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब यहीं से हम गले की अपनी जो शेप है वो दे देते हैं। अगर आप इस मेजरमेंट से गले का जो डिज़ाइन बनाएंगे वो ना ही ज़्यादा फैलेगा और ना ही ज़्यादा छोटा होगा। तो मीडियम साइज़ में ये डिज़ाइन बहुत अच्छे से बन जाता है। तो जब भी आप गले की इस तरह के गले अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये मेजरमेंट एक बार ज़रूर फॉलो करें। अब इसके हम कटिंग कर देते हैं। तो हमें गले की कटिंग कर लेनी है। आर्म होल भी हम कट कर लेंगे यहाँ पर। तो हमारी जो आर्म होल है वो भी कट गई है। अब इसे हमें मैन फैब्रिक पे रख के कट कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर मैन फैब्रिक पे रख के मैंने कट कर लिया है। अभी से हमें ओपन कर लेना है और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और गले पे हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए, हमने गले की सिलाई लगा लिया है और जो भी बीच का जो मैन फैब्रिक का कपड़ा है उसे भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरह हमें कटिंग कर लेना है। तो हमारी जो मैन फैब्रिक है वो कट चुकी है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेते हैं ताकि इस कपड़े को जब हम पलटें तो ईजिली वो फिनिशिंग के साथ में पलट जाए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कपड़े को पलट लिया है और ऊपर से भी मैं यहाँ पर सिलाई लगा ली हूँ। अब इसे हम बैक साइड करते हुए जो साइड से ओपन है उसे मैन फैब्रिक और आपका अस्तर को दोनों को हमें अटैच कर लेना है और साइड का जो भी फैब्रिक है उसे हमें कट करके अलग कर लेना है। तो देखिए, हमने यहाँ पर सिलाई भी लगा लिया है और एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट कर लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे टक्स पे सिलाई करेंगे। तो इस तरह हमें दोनों साइड के टक्स पे सिलाई कर लेनी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैन फैब्रिक बड़ा क्यों है। तो इसे हम फोल्ड करके जो तुरपाई पट्टी हम एक्स्ट्रा यहाँ पर अटैच करते हैं ना, तो वो मैं नहीं कर रही हूँ। यहीं पर ही डायरेक्ट मैं इसे फोल्ड करके यहाँ पर बड़े टाकों से सिलाई लगाऊंगी। बाद में से हम खोल के तुरपाई कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया था, जो मैन फैब्रिक में थोड़ा सा बड़ा कट करी थी उसी को ही मैंने यहाँ पर फोल्ड कर लिया है। अब ये जो हमारा बैक साइड का है वो रेडी हो गया है। इसे अब हम साइड में रखते हैं और जो गले का कपड़ा हमने लिया था वहीं पर हम इस तरह से तिकोन में मार्क कर लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो पहले हमने अस्तर पे कट किया था, अब एक गले का ही मैन फैब्रिक का कपड़ा है उसे हम रखते हुए इसे भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो डिज़ाइन बनाना है वो कट के रेडी हो गया है। अब इसे हम सिलाई करके एक दूसरे से अटैच कर लेते हैं इसे। तो तीनों साइड हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो हमने ये सिलाई लगा लिया है और जो कपड़ा बड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। जो मैन फैब्रिक कपड़ा हमारा बड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। तो हमारी कटिंग हो गई है। अभी हमें ले लेना है एक कैनवास पेपर। हार्ड वाला लेना है आपको, सॉफ्ट वाला नहीं लेना है। तो इसे हम कैनवास पेपर के ऊपर रखते हुए कटिंग कर लेते हैं। तो हमारी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर हमें दोनों साइड सिलाई लगाना है। ऊपर की तरफ जो हमने त्रिकोण लिया हुआ था ना, तो ऊपर की साइड हमें इसे सिलाई लगा लेना है। नीचे हमें सिलाई नहीं लगानी है और इसके बाद इसको हमने पलट लेंगे। तो ऊपर में आप छोटा सा एक कट दे दें ताकि पलटने में ये आसान हो और फिनिशिंग के साथ पलट जाए। तो देखिए, ये हमने इसे पलट लिया है। अब ये जो बचा हुआ हमारे गले का कपड़ा था उसे ही हमने लिया है यहाँ पर। पहले तो इसे हम बराबर कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम कट करेंगे क्योंकि हमें 4 पट्टियाँ चाहिए डिज़ाइन के लिए। तो वो पट्टी हम इसी कपड़े से ही निकाल लेंगे। तो देखिए, ये हमारा जो कपड़ा है वो कट चुका है। अब इसको हम ना सिलाई कर लेते हैं।
तो सिलाई आपको कैसे करनी है, बिल्कुल एकदम पतला भी नहीं बनाना ना ही एकदम मोटा बनाना है। तो इस तरह से आप इसे फोल्ड करते हुए सिलाई कर लें। तो इस तरह हमारे जो चार पट्टी वो रेडी हो जाएंगे। तो देखिए ये चारों पट्टी हमारे रेडी हो गए हैं और ये हमने जो डिज़ाइन बनाया था उसे इस तरह से हमें पट्टियों को रख लेना है इसके ऊपर और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैं पट्टियाँ रख के इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। तो इस तरह से आप गेप का ध्यान रखें, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं बस इतना ही आप गेप रख के अटैच कर लें। तो देखिए मैं यहाँ पर चारों पट्टियाँ यहाँ पर अटैच कर ली हूँ। अब यहाँ पर जो है ना मैंने ब्लैक कलर का लेस लिया है और उसको लेस लगा के हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे ताकि दिखने में सुंदर आए। और जो साड़ी है उसमें भी ब्लैक कलर का ही लेस लगा हुआ था उसके बॉर्डर पे, तो मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर का ही लेस लगा रही हूँ। तो ये हमारा जो डिज़ाइन है वो बन के रेडी हो गया है। उसके बाद हमें अपना जो ब्लाउज है बैक साइड का उसे ले लेना है। सेंटर पे हम मार्क कर लेंगे ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो इधर उधर ना हो, बिल्कुल सेंटर टू सेंटर आए। तो यहाँ पर मैंने सेंटर पे मार्क कर लिया है और दोनों मार्क को मिलाते हुए इस यहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। तो सिलाई लगा के मैंने इसे अटैच कर लिया है इस तरह से। अब ये जो हमारी पट्टियाँ हैं ना उसको आप इस तरह से रखते हुए जैसे वीडियो में देख रहे हैं बस ऐसे ही रख के आपको यहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो आप देख पा रहे होंगे दोनों साइड मैंने पट्टी अटैच कर ली है। अब गले पे भी हम इसे डेकोरेट करेंगे लेस से। तो ब्लैक कलर का लेस आपको पूरे नेक पे लगा लेना है और बैक पे लगा लेना है। मैंने कमर पे लगा लिया है और देखिए ये पट्टी ना थोड़ी सी लूज़ है क्योंकि जब हम पहनेंगे तो हमारा गला फैलता है, तो उसके जब हम पहनेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो इस तरह जो हमारा ब्लाउज़ का डिज़ाइन है फ्रेंड वो बन के रेडी हो गया है। हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम सीखेंगे बैक नेक डिज़ाइन बनाना। तो ब्लाउज़ की जो लंबाई है वो 13 इंच है, शोल्डर यहाँ पर हम 5 इंच ले रहे हैं डीप नेक के अकॉर्डिंग, आर्म होल हम लेंगे 5.5 इंच, अब चेस्ट का निशान लगाएंगे 8.5 इंच 34 चेस्ट के अकॉर्डिंग और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेते हैं। कमर हमारा 30 इंच है तो उसका 1/4 लगाएंगे 7.5 इंच, 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब इन निशानों को भी हम मिला लेंगे। तो इस तरह हमें इन निशानों को मिला लेना है। अभी आर्म होल पर हमें 1/2 इंच मार्क कर लेना है और इस तरह से तिरछा लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर हम राउंड शेप दे देंगे। तो हमने यहाँ पर शेप दे दिया है। अब गले की जो चौड़ाई है तो चौड़ाई हम यहाँ पर ले रहे हैं 2 इंच, डीप आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ पर डीप जो है 9.5 इंच रख रही हूँ और नीचे से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया है। अब इन दोनों निशानों को मिला लेना है। अब नीचे से हम 2 इंच पे एक दूसरा मार्क करेंगे और 1 इंच बाहर की तरफ करेंगे। अब यहाँ पर हम गले की जो हमारा डिज़ाइन है बस शेप दे देना है आपको। तो इस तरह हमने गले का शेप दे दिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। गले को भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरह हमारा जो ब्लाउज है वो कट के रेडी हो गया है। अब इसे हमें मैन फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर लेना है। तो देखिए इसको मैंने मैन फैब्रिक के ऊपर रख के भी कट कर ली हूँ। अब यहाँ पर हमें मैन फैब्रिक को ओपन करना है। मैन फैब्रिक हमारा सीधा ही रहेगा, उसके ऊपर हमें अस्तर रखना है और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और इसके गले पे और कमर पे हमें सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर हमने गले पे भी सिलाई लगा लिया है और जो हमारा कमर है उस पर भी सिलाई लगा लिए हैं और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है कमर पे और गले पे तो उसको हम कट कर लेते हैं। तो इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो हमारा गला भी कट गया है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा देंगे नीचे की ओर। तो इस तरह से हमें कॉर्नर अच्छे से कट करना है। अब हम इसे पलट लेंगे तब ब्लाउज को अच्छे से पलट लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ब्लाउज है वो उसे हमने टर्न कर लिया है। अब अच्छे से सेट करते हुए इसके गले पे और कमर पे हम सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग सिलाई।
तो गले और कमर पे हमारी सिलाई लग चुकी है। अब बैक साइड पलटाते हुए इसे हमें मेन फैब्रिक और अस्तर वाली फैब्रिक दोनों के एक दूसरे से अटैच करना है, तो उस पर हम सिलाई लगा लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे यहाँ पर। तो हमारी एक साइड की सिलाई लग चुकी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है बाहर उसे हमें कट कर लेना है। तो देखिए हमने दोनों साइड सिलाई लगाई कि जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम टक्स पे सिलाई लगाएंगे, तो एक साइड की जो टक्स है उस पर हमने सिलाई लगा लिया है। अब दूसरी साइड भी सेम आपको इसी तरह टक पे सिलाई लगा लेना है। तो हमारी दोनों टक्स पे सिलाई लग चुकी है। अब इस ब्लाउज़ को हम साइड में रखेंगे, तो इसे हम अब साइड में रख लेते हैं। अभी हमें ले लेना है एक दूसरा कपड़ा जिसकी लंबाई है 11 इंच और इसकी चौड़ाई है 6 इंच। अब इसे हमें फोल्ड कर लेंगे और किनारे से हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमें किनारे पे सिलाई लगा लेना है। यहाँ पर सिलाई थोड़ी ज़्यादा किनारे से लग गया था इसलिए मैं दोबारा फिर से सिलाई लगा रही हूँ। अब इसके बाद इसे हम टर्न कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे टर्न कर लेना है और जो सिलाई लगा हुआ है उसे हमें सेंटर पे रखते हुए हाथों से अच्छे से इसको दबा के हमें सेट कर लेना है। अब इसका हम सेंटर मार्क करेंगे। अब ये जो सेंटर मार्क है उस पर आप इस तरह से छोटे छोटे चुन्नट बना लें और इसे आप चाहे तो मशीन से भी सिल सकते हैं या सुई और धागे से भी सिल सकते हैं, बट मैं यहाँ पर धागा लेके अच्छे से इसे लपेट ले रही हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर धागा लेके अच्छे से लपेट लिया है और यहाँ पर हम इसकी गठान लगा देते हैं यहाँ पर ताकि ये खुले ना। तो ये हमारा जो बो है वो बन के रेडी हो गया है। देखिए इस तरह से आप बो बना लें, ये बो बन के रेडी हो गया है। अब हमें ब्लाउज का पीस ले लेना है और इसे आप सेंटर पे इस तरह से सेट कर लें अच्छे से और पिन लगा लें साइड में ताकि ये इधर उधर ना सरके। तो इस तरह से हम यहाँ सेंटर पे रखेंगे। सेंटर पे नहीं, आप यहाँ देख रहे होंगे जहाँ से हमने 2 इंच लिया था, कट था, बस वहीं से मैंने इसको रखा है कॉर्नर से और इस पर हम सिलाई लगा के इसको फिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इस पर डबल सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। दूसरी साइड भी आपको सेम इसी तरह सिलाई लगाना है। आप चाहे तो इसे लेस लगा के भी डेकोरेट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर लेस नहीं लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमने दोनों साइड सिलाई लगा लिया है और जो ये हमने पिन लगाया है उसे भी हम निकाल लेंगे और ये जो हमारा डिज़ाइन है वो अटैच हो गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक छोटी सी डोरी लेनी है, उसमें दोनों साइड आपको लटकन बना लेना है और इसको यहाँ पर बीच में हम इस तरह से अटैच कर लेंगे और हमारा जो ब्लाउज़ का डिज़ाइन है वो बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। आई होप फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।